अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद साहिबा। कैसे हैं आप लोग? इस वक्त हूँ मैं अपने सैलून के ऑफिस में और मेरा मेकअप हो चुका है। आप मेरी तैयारी देख रहे होंगे। ये तैयारी है असल में एक शो में जाने की, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है और उसमें बहुत ही जुगतबाजी होगी, बहुत ही हंसी मजाक होगा और आपके जाने माने एक्टर्स वहाँ पर होंगे और रेमो साहब भी मेरे साथ हैं। मेरी तैयारी चल रही है, वो घर पे तैयार हो रहे हैं, मैं अपने सैलून पर तैयार हो रही हूँ, साइबर सिग्नेचर सैलून पर। अच्छा, मैं आपको लेकर वहाँ तब जाऊँगी जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, सबको मेरा चैनल सब्सक्राइब कराएं, लाइफस्टाइल विद साहिबा। अच्छा, शूट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा जो आप मेरे देख रहे हैं ये ड्रेस खूबसूरत सा, ये है धानी का। धानी बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड है। सारा लॉरेन है हमारी बहुत प्यारी मॉडल, एक्ट्रेस और मेरी बहुत प्यारी दोस्त, ये उनका ब्रांड है और बड़ा प्यारा सा समर का कलर है और मुझे वैसे भी ये कलर बहुत पसंद है। आप लोग पूछते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये ड्रेस धानी का है और मेकअप हुआ है साहिबा सिग्नेचर सैलून पर। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ, साहिबा सिग्नेचर सैलून जो कि है MM आलम रोड पर, गुलबर्ग में, लाहौर में, यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त डील्स चल रही हैं। ब्राइडल डील्स हैं और समर डील्स हैं, स्किन की, हेयर की, और जो भी जिनकी शादियाँ होने वाली हैं और उनके लिए बहुत ज़बरदस्त पैकेजेस हैं। आप आए साहिबा सिग्नेचर सैलून पर और अपनी बुकिंग्स करवाएं। और अब हम चलते हैं शूट पर, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तू शॉर्ट नहीं बनेगा, जैसा जी चाहे उनके काम करें, जो भी आपको जुगत आती है ना आप करते हैं। अच्छा, मैं सीरियसली बताऊं, मुझे कोई भी जुगत नहीं आती, अच्छी बात पूछ रही हूं ना, बताएं। बहन भाइयों को कुछ करती अच्छी नहीं लगती। नहीं नहीं, लेकिन ये शो ऐसा है ना, सादा शो करके। हाँ जी, और सुनाए, सादा शो करूँगा ना, ना आपके शो को खाना है ना। ये हमारे साथ नहीं, ये आपके काफी अच्छे से आपको देखते ही अंदर का जो छिछोरापन है ना, वो बाहर आ गया। तो सारा दिन घर कैसे गुजारती है? यार प्लीज आप मुझे इसमें ना रखें, मुझे नहीं पता कि जुगत क्या होती है। जी जी, मुझे नहीं पता कि जुगत क्या होती है, आप मुझे इसमें ना। नहीं नहीं, आपको पता। अच्छा, कितने मात्रे का डांस अच्छा होता है? 8 नहीं। अच्छा जी, आप बताएं ना जी, आप उनको जुगते बताएं। अच्छा, ये सलीम अल मिल्ला साहब के पास आइए, ये आप अपने मुताबिक क्या मतलब है, दोनों आप जो मर्जी कह लें।
आजकल जो मतलब कि आंधियां चल रही हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? एसओपीस क्या फॉलो कर रहे हैं? ये ना होते मैं उड़ गया। अच्छा, मैंने इसकी टांग को पकड़ ली। मेरा माई लव, हमारा भाई लव, भाई लव, भाई लव, मेरा ये लव है। मैं इसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, पसंद है। एज आर्टिस्ट भी, एज ए इंसान क्या जी देख रहे हो? सर देख रहे हो? सिर्फ ये दस कि मेरी एज 1200 है। शो खत्म हो गया और बड़ा मजा आया आपके साथ शो करके। ऑन एयर तो आप लोग सब देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। तो आपको कैसा लगा हमारे साथ शो करके? Hey, आपके साथ शो करके ये बात तो मतलब अजीब सी है, ये सवाल ही। आप कर सकते हैं, हमें इज्जत देने की जरूरत नहीं है। नहीं, इज्जत तो मैं शायद देता भी नहीं। बात ये है कि आप माशाल्लाह हमारे मुल्क के नामवर जोड़ी है, स्टार है आप दोनों। तो आप लोगों के साथ काम करना तो हमारे लिए बाइस फख्र, बल्कि हम प्राउड फील करते हैं आपके साथ काम करके। कोई इंग्लिश में फखर ही फखर तो मतलब प्राउड ही करना, लेकिन कुछ लोग नहीं ना समझते उर्दू। हाँ, ये अच्छी बात है। नहीं, हम कोई अपने वाली बातें करें ना, ये तो स्क्रीन की बात होगी। वहाँ पढ़ा लिखी गल कमीजा पाड़ ली है सर, इतना मारी है सिर दे विच की कर लिया। तो आप रैंबो साहब के साथ मुलाकात करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह ये कौन आ गया? इधर पड़ी है नीचे बाल्टी वो घर। आर्टिस्ट है। अच्छा, आर्टिस्ट और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छा है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर इसको मैं आपके वो सलोन पे लेके आऊँ, इसका वो पेडी कैम जो ये हैडी कैम करवाना हैडी कैम नहीं, नहीं, वो पता है क्या, अभी वो वाली मशीनरी हमारे पास अभी तक नहीं आई। मेरी सिलाई मशीन ना कर देना। नहीं, मुझे क्या होता है, मुझे तो उसका पंजाबी ढूंढना भी नहीं आता। क्या वो रोड जो बनाते हैं? बुलडोजर। हाँ, वो अभी सलोन में नहीं, वो हम सामने लेके आएंगे। अच्छा मैडम, किस तरह आता है? अगर तुसी एक महीना पहले ना अपना मुंह चढ़ाना तजाब चुके हो। कितने महीने पहले? एक महीना पहले तजाब चुके हो। फ्रेशनेस का राज पूछ रहे हैं तजाब में जी। ये आप भी मतलब? नहीं नहीं, आपका सलून बहुत अच्छा है। मेरी वाइफ जो है ना नगीना, आप समझते हैं जी जी, ना ही काम करो आके। आप भी अपनी बेगम को मेरे सलून पे ले गए, थोड़े पैसे हर जगह से पैसे कमाए जा रहे हैं, लगाए भी जरा। हां जी, ये इतने इतने पैसे देकर जाते हैं हमें। पहले ही स्किन बड़ी फ्रेश है। ओह माय गॉड। अच्छा, और मजीद क्या उसका करवा लें? मजीद करवा लें, कोई बात नहीं। नहीं, बस ये जरा ग्रूमिंग हो जाती है ना। अच्छा होता है ना, जरा ग्लो आ जाएगा भाभी के। ग्लो ग्लो सर, तू बकवास अपनी बात कर। तू ना पैसा थोड़ा कटी, कुछ नहीं होता इंसान पैसा ले रहा है ना, से पैसे कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं। अगले यार खूबसूरती कमा रहे हैं। अभी यहाँ शो किया ना, अभी देखना पता नहीं फैसलाबाद बैठे होंगे, मुल्तान बैठे होंगे, ये तो तंबू जिधर लगे हो जिथे तंबू लगे हो उन्होंने कहना गड्डी आने बोल रहा कुछ नहीं जाएगा। इनको खर्च भी करना होता है ऐसी जगहों पे। खर्च करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब गुरबा में बांटता हूँ। गरीब गुरबा है तो सलीम क्यों बेच रहे हैं? वाह माशाल्लाह, तो आड़े जिन्हें कमा रहे हैं माशाल्लाह। नहीं अच्छा, वैसे असल बात है ना, सलीम खुला खुला बहुत खुले दिल के इंसान है। अपनी बेगम को लेकर आए हमारे मॉल में, लेकर आए सलोन भी लेकर आए, वहाँ पे भी जो अच्छी एक्सपेंसिव वाली सर्विसेज है वो करवाई। उनका बकायदा एक डाइट प्लान बनाया, जो कि उसका पैकेज तकरीबन 1,00,000 रुपए का था, वो घर में डिलीवर होता रहा है अलग से। वो अलग से वो दूसरी जब भी लेते मतलब ब्रांडेड चीज
लेकिन साड़ी पर जाए थोड़ी जी जी है ना भैन मेरी वो लापरवाह जी है और बस उन्हें क्या नहीं ये अच्छा नहीं लगता खाना तुसी भी कराओ भाभी दा मेहरबानी जी जी मैं था नहीं साड़ी भैन आ मैं ले जांगा नाल तू कर रही कोई ऐसी गल नहीं तू ले जांगा डाइट प्लान उन्होंने दिया था वो उन्होंने वो पूछ रही थी मेरे से कि खाने से पहले खाना या खाने के बाद वो समझ नहीं डॉक्टर दे आए हैं हेलो डॉक्टर ही नहीं वो असल में मैं अपना वो नहीं करवा सकता क्योंकि वो पहले स्लिम स्मार्ट है भाभी साड़ी हां तो उससे क्या करवाना मैंने पूरी डॉक्टर बिल्कुल यानी आपके ऑपोजिट है पूरी डॉक्टर तो स्मार्ट रहने ये ऑपोजिट है अच्छा आप मुझे मैं थोड़ा सा जाते जाते पूछूं आपका क्या डाइट क्या है क्या माशाल्लाह जो मिल जाए नहीं जो मिल जाए इसमें कोई शक नहीं खुश करो आप अच्छा क्या पसंद करते हैं मैं खाने में मतलब सब्जी भी दाल भी गोश्त भी सब कुछ खाता हूँ लेकिन खुश खुराक में गोश्त ज्यादा खाता हूँ गोश्त खो रहा है अच्छा और सलीम साहब आप इतने स्लिम कैसे क्या इनके साथ रह गए ये जो वही खाना वो खाते हैं वही ये जो छोड़ देते मैं खा लेता हूँ मतलब थोड़ा मतलब वो फिर इतना तो मुझे इधर कर देता बाकी इधर कर लेता जोड़ी बनी थी नन्ना साहब ये रंगो साहब अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक एक ऐसी जोड़ी आपने दोनों की जोड़ी मालिक ने अच्छी बना दी लोग पसंद करते हैं अच्छा माशाल्लाह आपकी भी जोड़ी है बड़ी खूबसूरत ये बकरा ईद आ रही है तो क्या प्लान है आपके इंशाल्लाह अगर आप निकल गए तो हम भी निकल जाएंगे लेकिन ये है कि ये जोड़ी अल्लाह मियां ने बनाई है इसके बारे में बात ना कीजिए ये बात वाले ने बनाई है कोई शक नहीं बाबी ये भी अल्लाह पाक सारे काम अल्लाह के ही है हां तो देखिए ना गोगे के साथ भी तो इसकी मिसेज रहती है अस्तगफिरुल्लाह माशाल्लाह बड़ी खुश रहती है मैं प्लान कर रहा हूँ अभी बिजनेस चेंज करने का क्या मैं कॉस्मेटिक्स और इस पे मैं ज़रा तो कर रहा हूँ नहीं सही कह रही है मजाक कर रहे हैं मुझे बताएं मुझे नहीं समझ आ रही मुंह दे सामने लगता कि बिजनेसमैन बिजनेसमैन नहीं सच में ये उसका कमाल है कि सीरियस मुंह के साथ ये कॉमेडी करते हैं क्या मतलब आप बिजनेस के अलावा कॉस्मेटिक्स और कॉस्मेटिक्स है और कुछ मैं कंटेनर वाइज से मंगवा रहा हूँ जो चाइना से आती हैं वो तो जरा कूड़ा सारा मंगवा हां जो नहीं सारा तो नहीं होता जो कभी कंटेनर आधा भी आ जाता है अच्छा ये जरा रिंग रोड पे आप गए कभी ना बिल्कुल महमूद जी भी आते हैं महमूद जी बहुत छोटे वो पहाड़ जो कूड़े का वो इनका अच्छा तो जाती है वो हेड ऑफिस जी वो हेड ऑफिस इनका अच्छा जी हमारी तो दुआ है हम तो झोली ठाक आपको दुआ दे रहे खुदा करे तेरे कारोबार च काटा पवे तेन कख नसीब ना हो जिस कदर तू सीरियस कारोबार है ना तेरा पहला जो असल कारोबार वो भी डूब गया या उसको आप रिफ्रेश करते हो उस कूड़े को सारा नहीं पैसा नहीं होता वो मेरे काफी जो लोग हैं मैंने रखे हुए हैं काम के लिए वो कच लैदा करते हैं प्लास्टिक लैदा करते हैं हाँ, फाइबर लैदा करते हैं वो तीन चार में मैंने लोग रखे हैं जो स्पेशली ये काम करते हैं और बड़ी शिकायत बड़ी कंप्लेन आती है मुझे क्यों ये जो स्वीपर होते हैं ये बड़ा मुझे कंप्लेन करते हैं कि कूड़े में कच लोग फेंक देते हैं शीशा कांच आप क्या बात कर रहे हैं मेरे मियां को बात करवाई आपने नहीं वो अलग अलग करते हैं फिर जो माल बिकने वाला होता है वो फिर बेच देते हैं बाकी खा लेते हैं अच्छा क्या
पूछ लेना जरा कि क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके। हाँ, क्या फ्यूचर प्लान, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? मेरी बात चल रही है डेनमार्क में, ने कुछ बिजनेस शुरू करना है। डेनमार्क में मैंने शुरू करना है और मैंने कंडीशन भी उन्हें भेज दी है। ये मैंने कंडीशन भी उन्हें भेज दी है। अच्छा, तो देखें जैसी उनकी कॉल आएगी और मैं फिर वहां जाऊंगा। आप शो छोड़ दे होंगे? शो लीव ले लेंगे, लीव ले लेंगे, कुछ छुट्टी ले लेंगे फिलहाल। हाँ, तो ऑफिस वहां मेरा ख्याल कोपन है। वैसे तुम शो छोड़ दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर, बल्कि शो वाले नहीं, बिजनेस आपका अगर बेहतर हो गया तो मेरा ख्याल वो निकाल ही देंगे। जब उधर से इकोनॉमिकली मैंने स्ट्रांग हो जाना तो मुझे शो का भी कोई बात नहीं है, फिर मैं छोड़ दूंगा। जब आप अपना चैनल बना ले, कूड़ा टीवी, कूड़ा डॉट कॉम, ले जी, ये होते हैं फनकार सीरियस मुंह से, एक जरा चेहरे पे हंसी नहीं आई। नहीं, हालांकि हम खुद हंस पड़ते हैं। अच्छा, नहीं वैसे आप सब लोगों को सैल्यूट है कि घर में, पता है क्या, अभी ये जो सारा अरसा गुजरा है लॉकडाउन का, कोविड का, ये जो पेंडेमिक आया हुआ था, इतने डिप्रेशन में चले गए सारे, और जो लोग आपको देख के हंसते हैं ना, वो ये बहुत बड़ी नेकी है। ये शोबिज है, लेकिन जो लोगों की टेंशन रिलीफ होती है ना, वो बस दिल से ही दुआएं निकलती हैं। मैं ये मुझे तब एहसास हुआ जब मैं घर में बैठी टीवी देख रही थी ना, और मैं पता नहीं था लॉकडाउन था, क्या करें क्या करें, वो टेंशन बहुत थी। आराम से टीवी देखते थे, थोड़ा ध्यान बढ़ जाता। आप कुछ कहना चाहते थे? अच्छा, एक आखिरी बिजनेस ये डिस्कस करना चाहते हैं जी, बताइए। तो मैं रेम्बो भाई मेरे सीनियर भी है, मैं इनसे डिस्कस करूंगा कि एक मैं बिजनेस और रिसेंटली शुरू करने वाला हूँ। मास्क जो है ना, एक बार लगा के जो फेंके जाते हैं, तो मैंने सड़क से एक एक कर जो उठा लिया। फिर उठे तो चल उठे तो चल बात चल बात मैं तो कहे चल बात निकले तो अगर साहब वो मैं उनसे बिजनेस के बाद क्यों निकाल रहा हूँ चल बात क्यों निकाल रहे हैं बाहर बार आठ दस मास्क में चोकला चल 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 जोगी बैठ जा और जा चला तू ही है जोगी बैठ चल के नाल अगर वो चला तू तो बेला टीवी देनु लागे फिर रहे ना चल बा ओए भाई बैठ जा यार मैं छोटी जी गोगा साहब पानी पिलाएं यार क्या रिएक्शन दिया ये बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा तो आप दूसरा अपना चलो ठीक है जी, अब इजाजत लेते हैं, देखते रहिए लाइफस्टाइल विद साहिबा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह।